हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि ये बिहार के चंपारण बरामपुर गांव है, और देखिए ये गांव के लोग कितना मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। और काफी देखिए, अगर बाढ़ आ जाने की वजह से अगर किसी मेडिकल सुविधा के लिए बाहर जाना हो तो किस तरह से कोई अपना गाड़ी लेकर जा सकता है। देखिए पूरी तरह से ये चचरी का पुल सामने लोग पार करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो बड़ी ही मुश्किल है। अभी भी बिहार में इतना विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है, विकास पुरुष नीतीश कुमार का जो नाम लिया जाता है, लेकिन देखिए ये चचरी का पुल पार करके लोग एक जैसे दूसरे जगह पर जाते हैं। काफी परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं, और देखिए ये किसी तरह बहुत दूर से घूम कर आ रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, और पार कर अगर अच्छा रास्ता पुल होता तो दिक्कत नहीं होता। देखिए कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, तो ये देखिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चचरी का पुल पार कर। तो इनसे ही पूछते हैं कि काफी दूर से घुमाकर आप आ रहे हैं, और चचरी का पुल क्या चाहते हैं कि बनना ही चाहिए, कब तक क्या? काफी बाजार से आ रहे हैं, घूम कर आ रहे हैं, घूम कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक तो घूम कर आ रहे हैं तो तेल और खर्च हो रहा है, कमी नहीं कुछ नहीं है। तो देखिए ये मोटरसाइकिल वाले हैं और किसी तरह ये चचरी का पुल पार कर जा रहे हैं, और देखिए ये कभी भी ये पुल ध्वस्त हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कोई मेडिकल सुविधा के लिए कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करेगा तो क्या हाल हो सकता है। तो ये गांव पूरी तरह से अब कट चुका है बाढ़ के आने की वजह से। मुख्य जो चंपारण का जो हेडक्वार्टर बेतिया है उससे आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त पानी आ रहा है, उसकी वजह से काफी लोग देखिए ये देखिए। और मैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ये बस चचरी का पुल कुछ ही देर में कहीं हो सकता है ढह भी जाए। तो काफी यहाँ पर लोगों का डिमांड है, खासतौर पर सगरों महुआ पंचायत बलरामपुर फलवैया गांव के लोगों का यहाँ पर कि एक पक्की सी पुल बने, लेकिन काफी निराशा देखने को मिलती है। यहीं से इसी पंचायत के मंत्री साहब थे खुर्शीद आलम, क्या चाहते हैं आप लोग, पक्की पुल चाहते हैं यहाँ बनना? पक्की पुल चाहते हैं यहाँ, देखते हैं कितने जाने आने में दिक्कत है, बहुत आ गया है, है? जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है, कहीं रास्ता है सारे लोग घेर लिया है, उधर रास्ता नहीं है, यहाँ पुल नहीं है, क्या करेंगे? तो देखिए ये देखिए तड़प रहा है, बाढ़ अभी आ गया है, बाढ़ आने की वजह से काफी नुकसान हुआ, खेती तो बहुत नुकसान हो गया, खेती तो बहुत नुकसान, सारा बिया सारा दह गया, कोई बिया नहीं गिरा है, कुछ नहीं गिरा है, तो क्या करेंगे सर? तो देखिए ये काफी लोगों का जो है चाह रहे हैं कि पढ़ने लिखने का भी अगर जाना हो तो, अभी तो लॉकडाउन और कोरोना वगैरह की वजह से नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी लोग हैं लवैया वगैरह का, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि पुल बन जाए? हाँ, पुल बनाना जरूरी है यहाँ पे, हाँ दिक्कत हो रहा है जाने के लिए, पुल जरूरी है। अब देखिए किसान तो एक तो लॉस में जाते तो बाढ़ भी आ गया, बाढ़ भी आ गया, बाढ़ से भी लॉस हो रहा है, कुछ करोड़ों से आदमी मर गया, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। पक्की पुल चाहते हैं? पक्की पुल तो जरूरी है यहाँ पे। क्या चाहते हैं? देखिए ये तो बाढ़ आने की वजह से लगातार कब ढह जाए इसका कोई नहीं है। हाँ ठीक है, पक्की पुल बने, पक्की पुल बने, बढ़िया। तो देखिए ये पुल है जो कि आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही लम्हों में उछल कर इसके ऊपर से पानी बहेगा, यानी कि उसके सर काफी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए काफी पवित्र रास्ता है छटिया घाट बलरामपुर और भलवैया का, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि इतने अच्छा रास्ता होने की वजह से देखिए चचरी का पुल से किसी तरह लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा ही विडम्बना है कि अगर आप समझ सकते हैं किसी को मेडिकल सुविधा के लिए कहीं जाना हो तो इस पर किस तरह से कोई अपना गाड़ी लेकर जाएगा चार चक्का वाला। और यहाँ देखिए बस कुछ ही लम्हों में इस पर पानी अब चढ़ रहा है, तो ये है विडम्बना। लगातार यहाँ पर दावे किया जाता है बिहार में कि विकास हो रहा है, लेकिन आप विकास देखेंगे इसके ऊपर चढ़कर ये अब पानी बहना शुरू होगा, अब कब किस लम्हे ये पुल ध्वस्त हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ये चीजें बजाते ही दिखा सकता हूँ कि बड़ी ही विडम्बना है। लगातार इसी सिक्का मायाटांड विधानसभा और सगरों महुआ पंचायत के मंत्री यानी कि सिक्का मायाटांड
तार विधानसभा के मंत्री रहे खुर्शीद आलम ने भी इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं समझा। काफी ग्रामीण लोगों को दिक्कत होता है एक जगह से दूसरे जाने में। तो अभी उम्मीद है कि वर्तमान जो नया विधायक है उनको भी कहा गया कि इसको पुल पक्का पुल बनवाएं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। काफी एक जगह से दूसरे जगह तो अगर जाना हो तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये पुल अभी भी बन नहीं पा रही है। तमाम विकास के दावे करने के बावजूद भी ये सगरव महुआ पंचायत के बलरामपुर गांव से फलोवा जोड़ने वाला ये चचरी का पुल से ही लोगों का कहीं कहीं आना जाना हो रहा है। बारह आप देख